हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। कई तरीके की एलईडी लाइट्स आपके घर और ऑफिस के लिए। जीआर एलईडी लाइट्स, मेक इंडिया ब्राइट। यदि मैं श्री राम का अनन्य सेवक हूं तो तुम्हें श्री राम की ही आन है कि अब मेघनाथ का मस्तक काटकर ही वापस आना। लक्ष्मण, यदि तुझे श्री राम की आन है तो इंद्रजीत को अपने देश की आन है। ॐ ह्रीं क्लीं निकुम्बलाय देव्याय नमः। सुमित्रानंदन, वो देखिए, उस गुफा में हमारी निकुम्बला देवी का मंदिर है। उसी के द्वार पर मेघनाथ के वीर सैनिक पहरा दे रहे हैं। वो अंदर बैठा है, उसका रथ बाहर खड़ा है, वो होम कर रहा है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विद्महे, ओम ब्रह्म ॐ ह्रीं क्लीं सः ज्वालये ज्वालये ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विद्महे ज्वल हं सं लं चं फट् स्वाहा। अपने सैनिकों से कहो कि इन प्रहरियों पर टूट पड़े और शत्रु सेना का मोर्चा तोड़कर अंदर जाने का मार्ग बना ले। महाराज सुग्रीव, वो मार्ग खुलते ही आप अपने प्रमुख योद्धाओं के साथ अंदर चले जाएं और जिस प्रकार हो सके उसके यज्ञ का विध्वंस करके उसे अपनी तांत्रिक पूजा अधूरी छोड़ने पर विवश कर दें। फिर मेघनाथ बाहर आएगा और लक्ष्मण उसे युद्ध के लिए ललकारेंगे। शीघ्रता कीजिए महाराज सुग्रीव। जो आ गया। हर हर महादेव। राक्षस बानर भीतर हो रहे मंत्रोच्चार, भीतर हो रहे मंत्रोच्चार। लांघ के सिंधु जो आ गए लंका, ना उनको दुर्लभ कोई द्वार, ना उनको दुर्लभ कोई द्वार। हाथन से हथियारन से कई कारण से रहे यज्ञ बिगार। यज्ञ हुआ यह पूर्ण तो जानो, अजय हुआ लंकेश कुमार। यज्ञ हुआ यह पूर्ण तो जानो, अजय हुआ लंकेश कुमार। यज्ञ अग्नि बुझाए बुझाए के पावन यज्ञ अशुद्ध करें, पावन यज्ञ अशुद्ध करें। यज्ञ को हेतु मिटावन हेतु निरंतर सैनिक युद्ध करें, निरंतर सैनिक युद्ध करें। साधक का आराधक का पथ, साधक का आराधक का पथ बाधक बन अवरुद्ध करें। आसन से नहीं डोले रथिंद्र उसे कितना ही क्रुद्ध करें, आसन से नहीं डोले रथिंद्र उसे कितना ही क्रुद्ध करें। ॐ चामुण्डाय विद्महे ज्वल हं सं लं चं फट् स्वाहा। कपिल सहित
मेघनाथ की ललकार से लगता है कि हनुमान, सुग्रीव और जामवंत जी उसके यज्ञ का ध्वंस करने में सफल हो गए हैं। अब मेघनाथ बाहर आएगा और अपने रथ पर बैठकर उस वट वृक्ष की ओर जाएगा। वट वृक्ष की ओर? हाँ, आप मेरे साथ आइए, हमें उसके पहले ही वहां पहुंच जाना चाहिए। लक्ष्मण भैया, मेघनाथ युद्ध में जाने से पहले एक बार यहाँ अवश्य आएगा। क्यों? वो यहाँ आकर भूतों की बलि देता है, उसके बाद ही युद्ध के लिए प्रवृत्त होता है। इसी तांत्रिक कर्म के प्रभाव से वो संग्राम भूमि में अपने शत्रुओं पर विजय पाकर उन्हें बंदी बना लेता है। आज उसे यह कर्म भी पूरा ना करने दीजिए। उसके आते ही उसे युद्ध में ललकार कर आप अपने तेजस्वी बाणों द्वारा उस महाबली राक्षस का संहार कीजिए। वो आता ही होगा। लक्ष्मण भैया, अपने बाणों का संधान करके सावधान रहिए। राक्षस कुमार, मैं तुम्हें युद्ध के लिए ललकारता हूं, अपने अस्त्र उठाकर सावधान हो जाओ। अवश्य लक्ष्मण। तुम दो दिन से मेरे हाथों मरते मरते बच रहे हो, परंतु आज तुम यहां से जीवित लौट कर नहीं जाओगे। करने से ये कब तक जीवित रहेगा? और फिर तुम ही कहां तक जीवित रहोगे? पहले तुम्हारा ही कल्याण कर दूं। को आ गए, शक्ति पराक्रम बल कौशल टकरा गए। वीरों के तीरों से बादल छा गए, दिग दिगंत फिर एक बार थर्रा गए। शक्ति प्रहार जो अपने तन पे सह गया, मृत्यु निकट जाकर भी जीवित रह गया। सहज नहीं है उस योद्धा को मारना, किंतु नहीं वीर उचित हिम्मत हारना। संग्राम
लक्ष्मण पर ब्रह्मास्त्र चलाया, अति विनम्र होकर लक्ष्मण ने तब ब्रह्मास्त्र को शीश झुकाया। इंद्रजीत कुछ समझ न पाया, पाशुपात संधान करे किया लक्ष्मण आज का युद्ध तेरा मेरा अंतिम युद्ध होगा। आज या तू नहीं रहेगा या मैं नहीं रहूंगा, परंतु इतिहास इंद्रजीत को याद रखेगा कि युद्ध में यदि भगवान भी सामने आ गए तो इंद्रजीत ने कभी पीठ नहीं दिखाई, वैसा ही आक्रमण किया जैसा शत्रु पर करना चाहिए।
पर्याप्त हो, खेल यही पर्याप्त हो, मायावी राक्षस की माया और न जग में व्याप्त हो, और न जग में व्याप्त हो, तू है वीर, वीर गति तुझको वीर के हाथों प्राप्त हो, वीर के हाथों प्राप्त हो, देखना तुम तेरी जीवन लीला यही समाप्त हो, लीला यही समाप्त हो। यदि मैं श्री राम का अनन्य सेवक हूं तो तुम्हें श्री राम की ही आन है कि अब मेघनाथ का मस्तक काटकर ही वापस आना। लक्ष्मण, यदि तुझे श्री राम की आन है तो इंद्रजीत को अपने देश की आन है। इंद्रजीत के जीते जी इस देश पर शत्रु की विजय पताका कभी नहीं फैला सकती, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं।